हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉल्फिन अप्लायंस। दोस्तों, आज की स्पेशल वीडियो सुगर केन मशीन बैटरी ऑपरेटेड मॉडल 2020 की सबसे लेटेस्ट मॉडल है। ये वीडियो के अंदर मैं आपको सुगर केन में से झूस निकाल के बताऊंगा और कितना किलो गन्ने के अंदर कितना लीटर झूस निकलता है मशीन के अंदर से, ये पूरी आपको वीडियो के अंदर लाइव डिटेल्स देने वाला हूँ। दोस्तों, पहले गन्ने का वेट करूंगा, उसके बाद गन्ने में से पीसिंग करके झूस कितना ग्राम निकला है, कितना किलो गन्ने के अंदर कितना ग्राम झूस निकला है, क्योंकि यही मोस्ट इंपोर्टेंट होता है बिजनेस करने के लिए कि आप जो बिजनेस कर रहे हो उसमें आपको नुकसान नहीं जा रहा है ना, वो चीज मेन इंपोर्टेंट आपको देखना है इसके अंदर। और आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा है, कोई भी आप बिजनेस कर रहे हो कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए और कितना मिलता है, तो ये वीडियो के अंदर आपको पूरी डिटेल्स दूंगा। सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, स्टेनलेस स्टील की पूरी मशीन है सुगर केन की, आप देख सकते हो वन सेटअप वाली, ये पूरी इनबिल्ट बैटरी इसके अंदर ही लगती है। वैसे हमने एक मशीन ओपन करके रखी हुई, इसकी गियर सिस्टम आप देख सकते हैं, यहाँ पे अखंड रोलर दिया गया है, स्टेनलेस स्टील का 3 रोलर दिया गया है इसके अंदर। इसका साइड लुक देखिए आप दोस्तों, यहाँ पे जो बैटरी है, बैटरी लगता है ये मशीन के अंदर, यहाँ पे बैठ जाता है, नीचे इसका बैठक दिया वहां पे बैटरी बैठ जाता है इसका, आप देख सकते हैं पूरा। अभी मैं आपको मशीन वर्किंग करके ऑपरेट करके चलाऊंगा दोस्तों। सबसे पहले आप कट्टे में देख सकते हो 0-0 वेट है इसमें, 0-0। उसके बाद हम एक शुगर केन रखेंगे इसमें, आप देख सकते हैं लगाया हमने। ये दूसरा रखेंगे इसमें हम, टोटल आप वेट देख सकते हो दोस्तों, 1 किलो 233 ग्राम वेट हुआ है टोटल सुगर केन का, जो सुगर केन हमने डाला है 1 किलो 233 ग्राम वजन हुआ है उसका। आ जाइए इधर पीछे। उसके बाद इसका हम ट्रे जाली भी हम आपको दिखाएंगे दोस्तों कि ये पूरा खाली है, इसमें कोई हमने पहले से भर के नहीं रखा है, आप देख सकते हैं पूरा एम्प्टी है, इसमें पानी नहीं है ना तो जूस है। अभी आपके सामने हम ये गन्ने का जूस इसके अंदर से निकालेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं हम इसको रख रहे हैं। मशीन को हम स्टार्ट कर देंगे यहाँ से, स्विच है बटन स्टार्ट का, इसका पावर निकल गया, तार जोड़ देंगे इसका, अभी मशीन को स्टार्ट कर देंगे, स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद जो गन्ना हमने बोला था 1 किलो 233 ग्राम वेट, ये गन्ना हम लेंगे इसके अंदर से, ये गन्ना डालेंगे इसमें से, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं गन्ना डाला है हमने इसमें, ये कितना हेवी गन्ना है आप देख सकते हैं, यहाँ से इसका आधार आएगा कितना हेवी गन्ना है इसका, ये गन्ना हमने लगा दिया इसके अंदर। और इसका वेस्टेज भी आप देख सकते हैं यहाँ से, ये पूरा चूरा होकर निकल रहा है, आप देखिए पूरा, जरा भी जूस नहीं है इसके अंदर, 97% क्रशिंग हो चुका है इसका। उसके बाद हमें दूसरा गन्ना लगाएंगे इसमें से, जो कि 1 किलो 233 ग्राम वजन हुआ है, देखिए हमने गन्ना डाल दिया इसमें, इसका वेस्टेज देखिए अब, इसका भी एकदम बिखर के निकल रहा है पूरा, जरा भी जूस नहीं, एक बूंद भी नहीं है इसके अंदर। अभी मशीन को बंद कर देंगे और इसमें से सबसे पहले इसका वेट करेंगे, इसको 0-0 कर देंगे आप, इसका जो टब हम भर रहे हैं ये 93 ग्राम का, इसको हम 0-0 कर देंगे, आप देख सकते हैं 0-0 हो गया है, ये रिवेस में आ गया 93 था वो, आप देख सकते हैं 93 रिवेस है माइनस है। अभी हम इसमें से जूस निकालेंगे, आप देख सकते हैं जो आपके सामने भी हमने जूस निकाला है, जूस भरेंगे इसका, एकदम गाल के क्लीन जूस निकल रहा है, यहाँ पे गन्नी भी दिया गया जिसकी वजह से अच्छे से गल जाएगा, आप देखिए इसका जो वेस्टेज कचरा है, बजू रहा था बजू तो, पूरा टोटली झूस हमने निकाल दिया इसके अंदर से, आप देख सकते हैं इसका वही वजन करेंगे इसके अंदर, वेट करेंगे, आप देख सकते हैं 743 ग्राम, 743 ग्राम झूस निकला इसके अंदर से दोस्तों, आप देख सकते हैं 1 किलो 200 ग्राम का जो अपने गन्ना था उसके अंदर से 750 ग्राम झूस निकला इसके अंदर से, इसलिए अराउंडली आपको 1 किलो 200 ग्राम झूस हमने जो गन्ना डाला था उसके से अंदर से 750 ग्राम झूस निकला है, इसलिए मोर देन इसके अंदर से 70% का झूस निकला है दोस्तों, 70% झूस इसके अंदर से निकला है मशीन के अंदर से। तो दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की मशीन है, आज की तारीख में 2022 की सबसे लेटेस्ट मॉडल है, कहीं पे भी विदाउट पावर इलेक्ट्रिसिटी बिजली पे आप चला सकते हो दोस्तों।
तो इस तरह की मशीन के लिए दोस्तों डॉल्फिन अप्लायंस में एक बार जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।